बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 10K। आज के इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ बेस्ट मोबाइल अंडर 10K के अंदर जो भी मोबाइल आता है उन सारे मोबाइल को शॉर्ट आउट करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखना। मैं हूँ इतिहास, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का इस वीडियो। हमारा लिस्ट ऑफ 5 नंबर पर मोबाइल आता है Moto G32। इस मोबाइल पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगी। एंड इस मोबाइल के परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 680 की प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी एंड 4GB रैम के साथ आता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी IPS LCD के साथ। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। कैमरास की बात करो तो यहाँ पर आपको 50 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्राइमरी कैमरा मिल जाएगी। एंड फ्रंट कैमरा की बात करो तो यहाँ पर आपको 16 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगी। बैटरीज की बात करो तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। आपको क्विक चार्जिंग चार्जर के साथ मिल जाता है एंड USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करो तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर आपको साइड पर मिल जाएगी। हमारा लिस्ट पर 4 नंबर पर मोबाइल आता है Tecno Poba 4। यह मोबाइल भी आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगी। एंड इस मोबाइल के परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G99 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी। एंड रैम की बात करो तो यहाँ पर आपको 8GB रैम देखने को मिल जाएगी। एंड डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पर आपको 6.82 इंच की IPS LCD टाइप की डिस्प्ले मिलेगी एंड 90 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। कैमरास की बात करो तो यहाँ पर आपको प्राइमरी कैमरा आपको 50 MP सिंगल कैमरा देखने को मिल जाता है एंड 8 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरीज की बात करो तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा बैटरी मिल जाएगी जो कि 6000 mAh की बैटरी मिलेगी फ्लास्ट फास्ट चार्जिंग के साथ एंड USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड इस मोबाइल पर भी आपको फिंगरप्रिंट सेंसर साइड पर मिल जाएगी और ये मोबाइल लगभग आपको 12000 के अंदर मिल जाएगी। हमारा लिस्ट पर 3 नंबर पर मोबाइल आता है सैमसंग गैलेक्सी M32 प्राइम एडिशन। ये मोबाइल भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगी एंड परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G80 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी। 8GB रैम है बेस मॉडल पर एंड डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पर आपको 6.4 इंच की डिस्प्ले मिलेगी सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि सैमसंग की डिस्प्ले तो हमेशा बहुत ही अच्छा होता है। तो ये वाला डिस्प्ले भी आपको डिस्प्ले में कोई भी इशू नहीं आएगी एंड यहाँ पर आपको 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। कैमरास की बात करो तो यहाँ पर आपको 64 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्लस 2 MP क्वाड प्राइमरी कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगी एंड फ्रंट कैमरा की बात करो तो यहाँ पर आपको 20 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरीज की बात करो तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा बैटरीज मिल जाएगी। 6000 mAh की बैटरीज मिलेगी फास्ट चार्जिंग के साथ एंड USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। इस मोबाइल पर भी आपको साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। एंड इस मोबाइल की प्राइस की बात करो तो यहाँ पर आपको 30,499 रुपीज पर आपको ये मोबाइल मिल जाएगी अमेजोन पर। इन सारे मोबाइल की बेस्ट परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी तो वहाँ पर से आप परचेस कर पाएंगे। हमारा लिस्ट पर 2nd नंबर पर मोबाइल आता है लवा ब्लेस 5G। इस मोबाइल पर भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगी। मीडियाटेक डायमंड सिटी 700 की प्रोसेसर मिल जाएगी जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर, आप अच्छे तरीके से गेम खेल पाएंगे और यहाँ पर आपको 4GB रैम देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पर आपको 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, IPS LCD डिस्प्ले मिल जाएगी एंड 90 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। कैमरास की बात करो तो यहाँ पर आपको सिंगल कैमरा मिलेगी, 50 MP की प्राइमरी कैमरा मिल जाएगी एंड 8 MP फ्रंट कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। बैटरीज की बात करो तो यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलेगी, आपको USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करो तो यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर सेम आपको साइड पर मिल जाएगी। हमारा लिस्ट पर नंबर 1 पर मोबाइल आता है पोको M4 प्रो। इस मोबाइल पर आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 11 देखने को मिल जाएगी एंड इस मोबाइल की परफॉर्मेंस की बात करो तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक हेलियो G96 की प्रोसेसर मिलेगी एंड 6GB रैम देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करो तो यहाँ पर आपको 6.43 इंच की एमोलेड टाइप की डिस्प्ले मिलेगी एंड 90 Hz की रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। कैमरास की बात करो तो यहाँ पर आपको 60 MP प्लस 8 MP प्लस 2 MP प्राइमरी कैमरास मिल जाएगी एंड 16 MP फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। बैटरीज की बात करो तो यहाँ पर आपको 5000 mAh बैटरी मिलेगी फास्ट चार्जिंग के साथ एंड USB टाइप सी पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। एंड इस मोबाइल पर गोल्डन ग्लास 3 की स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको इस मोबाइल पर देखने को मिल जाता है एंड फिंगरप्रिंट सेंसर इस मोबाइल पर भी आपको साइड पर मिल जाएगी। तो इन सारे मोबाइल पर आपको कौन सा मोबाइल बेस्ट लगा आप कमेंट करके जरूर बताना और आगे भी इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमें हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।